अकॉर्डिंग टू स्टडीज इंडिया में 76% लोगों में वाइटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, मतलब उनके बॉडी में जितना वाइटामिन D3 चाहिए उतना वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। और बहुत लोगों को वाइटामिन D3 के बारे में नॉलेज भी नहीं है, मतलब वाइटामिन D3 क्यों इंपॉर्टेंट है और वाइटामिन D3 आपके बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है और मेनली वाइटामिन D3 है क्या। तो आज के वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, मतलब वाइटामिन D3 के क्या क्या यूजेस है, बेनिफिट्स है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके साथ जो भी नॉर्मल पीपल है उनके लिए ये क्यों बेनिफिशियल है और जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए ये क्यों इतना बेनिफिशियल है, और सब कुछ जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वाइटामिन D3 के बारे में वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। उसके साथ में आज वाइटामिन D3 का ये सप्लीमेंट है बेस्ट चॉइस न्यूट्रिशन का, तो दिख रहा है आपको, ओके तो इसको भी मैं रिव्यू करूंगा। मतलब ये 60,000 IU का इसका कंटेंट है, एक कैप्सूल में आपको 60,000 IU मिलता है। तो इसको मैं लास्ट 4-5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और इसका क्या क्या बेनिफिट मेरे को मिला है, मतलब जो भी लोग इसको सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो एंड तक देखना, और जिनको भी वाइटामिन D3 के बारे में कुछ भी डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम वाइटामिन D3 के बारे में जानते हैं, मतलब वाइटामिन D3 है क्या। वाइटामिन D3 एक फैट सोल्यूबल वाइटामिन है जो आपके बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फरस इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स जॉइंट्स वगैरह रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। कैल्शियम और फॉस्फरस आपके बोन्स को स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, तो वाइटामिन D3 आपके बोन्स जॉइंट्स को स्ट्रांग रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी लोग जिम वगैरह जाता है तो उनके तो मतलब जॉइंट्स पे बोन्स पे बहुत प्रेशर आता है, जब आप हैवी वगैरह लिफ्ट करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके जॉइंट्स और जो बोन्स वगैरह रहते हैं उनको स्ट्रांग रखना, तो उसके वजह से वाइटामिन D3 इधर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके साथ वाइटामिन D3 आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रहते हैं उनको मैनेज करने में भी हेल्प करता है। जो बहुत सारे स्टडीज हुए हैं उस पर, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो लोग वाइटामिन D3 के अच्छा लेवल तक लेते हैं और जो नॉर्मल पीपल हैं, मतलब जो वाइटामिन D3 कंज्यूम नहीं करते या फिर उनके बॉडी में इनफ वाइटामिन D3 नहीं है, तो उन दोनों में कंपैरिजन करने के बाद ये पाया गया है कि जो भी लोग वाइटामिन D3 कंज्यूम करते हैं, जो भी एक अच्छा लेवल तक वाइटामिन D3 कंज्यूम करते हैं, वो उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा पाए गए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जिनके बॉडी में वाइटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो वाइटामिन D3 आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में या फिर स्टेबल रखने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके साथ वाइटामिन D3 आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स रहते हैं उनको रिड्यूस करता है, जिसके वजह से जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस वगैरह फेस कर रहे हैं तो उनको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो आपका जो स्ट्रेस लेवल्स रहता है, आपके एंजाइटी, डिप्रेशन वो भी कम कर देता है, तो उसके वजह से आप एक अच्छी नींद वगैरह ले पाते हो, जिसके वजह से आपके जो हार्मोन्स वगैरह रहते हैं वो बैलेंस रहते हैं। तो वाइटामिन D3 आपको एक अच्छा मूड वगैरह प्रोवाइड करता है, मतलब जो लोग जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम रहता है या फिर स्ट्रेस एंजाइटी फेस कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ड्रेन्ड आउट रहता है, मतलब उनको कुछ करने का मन नहीं रहता, मतलब एनर्जी नहीं रहती, वर्कआउट के ड्यूरिंग वो मतलब ऐसा लो फील करता है, एनर्जेटिक नहीं फील करता है, बट जो लोग वाइटामिन D3 लेते हैं तो उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है वाइटामिन D3 उसके बारे में भी। इसके साथ जो लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको स्ट्रांग करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स है वाइटामिन D3 के। तो आते हैं साइड इफेक्ट्स पे, वैसे साइड इफेक्ट्स वाइटामिन D3 के ज़्यादा है नहीं, बट आप जब ओवरडोज करते तो आपको कुछ ऐसे नॉर्मल साइड इफेक्ट्स वगैरह दिखाई देंगे, बट बहुत ही रेयर केस में होता है, मतलब वाइटामिन D3 का ओवरडोज होना और उसके साइड इफेक्ट तो ऐसे रिसर्च में ज़्यादा पाए गए नहीं है। बट आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं नीचे रिसर्च पेपर दे रहा हूँ, तो आप उसको डिटेल में जान सकते हो, मतलब सब कुछ है वाइटामिन D3 के बारे में, मतलब कितना डोज वगैरह लेना है आपको, क्या क्या मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वाइटामिन D3 लेते समय। तो अभी टाइम आता है इसको रिव्यू करने का, जो कि है बेस्ट चॉइस न्यूट्रिशन की तरफ से वाइटामिन D3 एक कैप्सूल में आपको 60,000 IU तक मिल जाता है, और ऐसे एक बड़े पैक में आपको 5 ऐसे पैक मिलते हैं जिसमें एक पैक में 4 कैप्सूल रहते हैं, और एक कैप्सूल आपको पर वीक लेना है जिसमें आपको 60,000 IU मिल जाता है। तो ये डोजेस बहुत लोगों को ज़्यादा लगेंगे, और बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि यार आपको नेचुरली नेचुरल सनलाइट में वाइटामिन D3 मिल जाता है तो आप इसको सप्लीमेंट क्यों करना चाहते हो, मतलब वो तो फ्री में मिल रहा है नेचर में, बट ये सप्लीमेंट क्यों करना चाहते हो। देखो यार, आज के दिनों में ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे जो कि बाहर जाके सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, मतलब बहुत टाइम तक एक्सपोज हो सकते हैं, तो बहुत लोगों का घर में बैठ के ही काम रहता है, बहुत लोग स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि कंटिन्यूसली क्लास वगैरह करते रहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो कि 9 to 6 का जॉब करते हैं, तो यार उनको उतना सनलाइट एक्सपोज करना, एक्सपोज में रहना उतना नहीं हो पाता, और वाइटामिन D3 आपको कम्प्लीटली नहीं मिल पाता, मतलब देखो
वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका एज क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, आप कौन से रीजन में रहते हो, आपने क्या लेवल की क्लोथिंग वगैरह पहनी है, तो बहुत सारा मतलब ये रहता है उसमें, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशंस पे वगैरह बहुत सारे। तो इसको सप्लीमेंट करने में मतलब मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई बुराई है, क्योंकि विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट बहुत ही चीप मिल जाता है यार। देखो ये पैक मेरे को कुछ 200 रुपीज़ में मिला, मतलब 200-250 के अराउंड मिलता है, तो जिसमें आपको 20 कैप्सूल्स मतलब 20 टैबलेट्स मिलते हैं जो आपको 20 वीक्स चले जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 months चला जाता है। तो यार मतलब मेरे को बताओ, 200 रुपये में आपको 5 महीने तक आप एक सप्लीमेंट ले सकते हो, तो आपको दिन के 30-40 मिनट क्यों वेस्ट करना है। और ये बेस्ट चॉइस न्यूट्रिशन का विटामिन डी थ्री बहुत अच्छा है, तो इसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। जब से मैं विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट ले रहा हूँ तब से मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल, कॉर्टिजोल लेवल्स तो बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, स्ट्रेस एंजाइटी का नाम ही निकल गया भाई। मतलब विटामिन डी थ्री के साथ मैं अश्वगंधा और ZMA भी लेता हूँ, तो मेरे को मतलब ऐसा थोड़ा सा भी फील नहीं होता मेरे को कुछ स्ट्रेस है, या फिर तो मेरे को थोड़ा बहुत एंजाइटी है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं फील होता। तो बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार 60,000 IU पर वीक लेना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यार देखो, मैं तो बहुत टाइम से ले रहा हूँ और मेरे को कोई ऐसा साइड इफेक्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, और एज पर साइंटिफिक रिसर्चेस 60,000 IU ये एक ऑप्टिमल लेवल है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ है। फिर भी आपको डाउट है, मतलब फिर भी आपको नहीं लेना है, तो यार नॉर्मल सप्लीमेंट भी मिल जाता है, पर डे 4,000 IU आप कंज्यूम कर सकते हो नॉर्मल सप्लीमेंट्स से, जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं। फिर भी मैं आपको कुछ रिकमेंड कर देता हूँ कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप वो परचेस कर सकते हो। आपको फिर भी अगर डाउट है तो आपको ये खाने के बाद ले सकते हो, या फिर खाने के मतलब एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो, या फिर खाने के बाद भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि खाने के बाद लेना और वीक में एक बार ही लेना। तो होपफुली ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है विटामिन डी थ्री के बारे में तो गाइस कमेंट करना, फील फ्री टू कमेंट, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक मार देना, एंड ऐसे ही मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज वगैरह देता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी दिए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, ओट्स हो गया, ZMA हो गया, बहुत कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू देता रहता हूँ। और आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट रिव्यू कराएं तो कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।